हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एजेड दुल्हन पार्ट 3। सो लेट्स सी। बहुत दिन हो गया, राजेश जी का कोई अता पता ही नहीं है। आज मैं उनका घर जाके उनसे बात करूँगी। अपनी बेटी संध्या का ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूँगी। यही सही वक्त है राजेश जी के घर जाने का। शाम के टाइम सब घर में ही रहेंगे। घर में कोई है क्या? अरे बहन जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। अरे आंटी, कैसी है आप? संध्या भाभी ठीक है तो? हाँ बेटा, सब ठीक ही है। राजेश जी को थोड़ा बुलाओ ना बेटा, मुझे उनसे थोड़ी बात करनी है। भैया देखो कौन आया है, जल्दी बाहर आओ। अरे इतना दिन बाद आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? भैया आंटी से सही से बात करो। अंकिता तू चुप कर, अंदर जा। संध्या को तो मैंने निकाल दिया, बहुत दिन हो गया, अब आप क्यों आई है यहाँ पर? अरे बेटा बड़ों से ऐसे बात मत कर, तेरे ऊपर पाप गिरेगा पाप। अरे मैं भी तो देखूं कौन आई है। तुम कौन हो बेटा, अंकिता की कोई दोस्त? जी नहीं, मैं हूँ अन्नू, राजेश की पत्नी। क्या मेरी बेटी को तुमने धोखा दिया, दूसरी शादी कर ली? बेटा तुमने ये सही नहीं किया। ओ, अब आप बताइएगा क्या ठीक क्या नहीं। ठीक किया राजेश जी ने मुझसे शादी कर लिया। इतनी बड़ी उम्र वाली लड़की से मेरा राजेश का शादी करवा दिया। छी, राजेश जी ने ही शादी के लिए हाँ किया था। हम लोगों का तरफ से कोई फोर्स नहीं था। तुम ना ज़्यादा बको मत। हे बुढ़िया, मेरी बीवी से इस तरह से बात मत कर, चल निकल। छी राजेश जी, आपको तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। मैं चलती हूँ। बहन जी मत जाइए, संध्या बहुत अच्छी लड़की है। जिस घर में मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं है, उस घर में मैं नहीं रुकूंगी। बहन जी मैं चलती हूँ, मुझे मत रोकिए। राजीव भैया, मैंने सब काम समझ ली और अब टेंशन मत करिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दूंगी। संध्या तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बहन। थैंक यू भैया आपको। एक्चुअली आपको तो सब पता ही है ना, राजेश जी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा जॉब चला गया, लेकिन आपका सहारा मिला, मैं बहुत खुश हूँ राजीव भैया। खुश रहो मेरी बहन। भगवान ये क्या हो गया? माँ आप क्यों रो रही है, क्या हुआ आपको, किसने कुछ बोला? तुझे पता है संध्या, राजेश जी ने दूसरा शादी कर ली। क्या बोल रहे हैं आप माँ? नहीं नहीं, ये आपका कुछ गलत ख्याल होगा, राजेश जी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं बेटा, मैं आज खुद तेरी ससुराल गई थी, उसकी बीवी अन्नू ने मुझसे झगड़ा किया, राजेश ने मुझे घर से निकल जाने को कहा। नहीं रोइए माँ, चुप हो जाइए, उन लोग आपके साथ बहुत गलत किया, और राजेश जी अगर शादी करके खुश है उसे खुश रहने दीजिए, जो मेरे नसीब में था वही हुआ। बेटी तू कितने दिन इस तरह से अकेली अकेली अपना ज़िंदगी गुजारेगी? एक काम कर, तू फिर से शादी कर ले, क्योंकि मैं तो और बस कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, फिर मैं भी चल बसूँगी। नहीं माँ, आप प्लीज़ ऐसा मत भूलिए, आप ही तो है मेरा सहारा, और मैं कोई शादी नहीं करूँगी माँ, और राजीव भाई का काम मैं संभाल रही हूँ, और उसके बाद हम दोनों खुश रहेंगे माँ, प्लीज़ माँ। ठीक है बेटी, तू खुश तो मैं भी खुश। अंकिता, अरे ओ अंकिता, सो गई क्या? चाय लेके आओ मेरे लिए। भाभी आप चाय खुद से बना लीजिए ना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ।
अरे अंकिता, बना भी दे अपनी भाभी के लिए थोड़ा सा चाय। तुम बनाओ ना अन्नू के लिए चाय। चल चल निकल निकल। देखे उस अंकिता की हिम्मत, चाय नहीं बना के दी। छी, कैसे है आपका घर वाला सब? ठीक है अनु, चलो छोड़ो, तुम जाके डिनर कर लो, कल तो सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना? नहीं राजेश, मेरा जॉब छूट गया, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्या बोल रही हो, एक काम करो तो दूसरा जगह इंटरव्यू के लिए चले जाओ। हाँ हाँ, मेरा जॉब गया तो गया, आपको क्या, आप जाके खुद से जॉब ढूंढिए, और मुझे ऐसे भी अब आराम करना है, जॉब अब नहीं करना। मैं जॉब करूंगा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों, आप जॉब नहीं कर सकते हो? कॉलेज का टाइम से मुझे डेट कर रहे थे, फिर अचानक से उस संध्या से शादी कर लिया, फिर जब उसका भी जॉब छूट गया तब मुझे फिर से डेट किया, शादी किया। आप कितना लालचा हो छी। मुझे अब तुम और संध्या का याद क्यों दिला रही हो, चुपचाप दूसरा जॉब ढूंढो। सुनो राजेश, मुझे और जॉब नहीं करना, और तुम मुझे संध्या मत समझना कि मुझे ऐसे ही घर से निकाल दोगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, और तुम कल से जॉब ढूंढो, ओके? ये तो संध्या से भी खतरनाक है, मैंने संध्या को छोड़ के गलत किया शायद। ठीक है, न्यूज़पेपर दो, मुझे तुम्हारे लिए जॉब ढूंढना है, और जाओ मेरे लिए डिनर का भी तैयारी करो। राजेश जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने न्यूज़पेपर में कल देख ली थी, तुम्हारे लिए एक जॉब है, जल्दी से रेडी हो जाओ, 9 बजे इंटरव्यू है। क्या, तुम ट्राई कर लो ना प्लीज़ अन्नू, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। अरे बुद्धू, सिर्फ मेल वैकेंसी, कुछ तो समझो। ओके, एड्रेस बोल दो, चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई है? मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। कमिंग प्लीज। जी, मैं राजेश तिवारी, इंटरव्यू के लिए आया था। अरे राजेश जी, आप और इंटरव्यू के लिए? अरे संध्या, तुम यहाँ? हाँ, मैं इस कंपनी का सेक्रेटरी हूँ, और मैंने ही न्यूज़पेपर में ऐड दिया था मेल वैकेंसी के लिए, मुझे इंटरव्यू लेना है। अरे संध्या, अब इंटरव्यू देखे भी क्या फ़ायदा, तुम मुझे जॉब थोड़ी ना दोगी। अरे राजेश जी, आप परेशान मत हो, आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। बिना इंटरव्यू का जॉइनिंग, क्या बोल रही हो संध्या? अरे राजेश जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप मेरा पति थे, पति हो, और जिंदगी भर मेरा पति रहिएगा। आप परेशान मत होइए, अब कल से जॉब पे आ जाना। अरे संध्या, अन्नू तो मेरी पीछे लग गई जॉब जॉब करके, लेकिन तुम कितनी अच्छी हो। आई एम सॉरी संध्या। नहीं नहीं, मुझे किसी का शिकायत नहीं सुनना, आप मम्मी जी और अंकिता का ख्याल रखिएगा। ओके संध्या, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा। आपको पता है माँ, आज संध्या ने मुझे जॉब दिया, और आपका और अंकिता का भी ख्याल रखने को कहा, मैं बहुत गलत था माँ, आप मुझे माफ़ कर देना। संध्या बहुत अच्छी लड़की थी, तूने उसे खो दिया, अब रो के कोई फायदा नहीं। ओ, अब संध्या का बहुत तारीफ हो रहा है, जॉब देने वाली मैं थी, संध्या नहीं, ठीक है? अन्नू प्लीज चुप रहो, आज से घर में तुम एकदम हाउसवाइफ का तरह रहना, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल के संध्या को फिर से घर में लेके आ जाऊंगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी संध्या की कहानी, एजेड दुल्हन फाइनल पार्ट? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे इस वीडियो को शेयर करना, और कमेंट में हमें प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू।